नेशनल हाईवे नंबर 30 पर नादन टोल के पास खेतों में अज्ञात कारणों के चलते अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही यह आग हवा के साथ अन्य खेतों में फैलने लगी। सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि नगर परिषद के टैंकर ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। एक खेत में आग लगी और तेज हवाओं के कारण ये आग दूसरे खेत तक पहुंच गई। दूसरे खेत में कटी हुई गेहूं की फसल रखी थी जो आग की चपेट में आ गई। खेत के मालिक जेपी शर्मा ने बताया कि उनके खेत में गेहूं की कटी हुई फसल रखी थी। नगर परिषद के टैंकर ने आग बुझा दी लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तकरीबन 60 से 70 क्विंटल गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। इधर घटना की जानकारी लगते ही राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और फसल के नुकसान का आकलन किया। आग करीबन 2 बजे करीबन आगी। हम घर में थे, खाना खा रहे थे, तब भतीज का फोन गया कि चाचा खेत तरफ आग लगी है। वहाँ से आए तो यहाँ आग फैली हुई थी। फिर आग हो गया बुझाते बुझाते, लेकिन वो वाले राह में आग लग गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।